सबसे पहले जो हेनरी फ्यूल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने यहाँ पर किसी भी एक इंडस्ट्री को 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया था और उन्होंने बोला था अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये 6 की 6 एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, या फिर अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 6 एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होगा वो अच्छे तरीके से होगा। अब जो सबसे पहला जो उन्होंने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जो सबसे पहली एक्टिविटीज़ बताई है वो है हमारी टेक्निकल एक्टिविटीज़। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल्स एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर टेक्निकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। दूसरा जो उन हमारी एक्टिविटीज़ जो उन्होंने बताई थी वो है कमर्शियल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो थी वो है हमारी सेल एंड परचेज से रिलेटेड होती है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, हम सेल एंड परचेज के लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं जो हमारी सेल्स एंड परचेज को देखता रहता है, जैसे जैसे हमारी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम मटेरियल को ख़रीदने का भी एक डिपार्टमेंट होता है और जब हमारा सामान बन के तैयार होता है तो हमारा सेल्स करने का भी एक डिपार्टमेंट होता है। इन दोनों को मिला दे तो दोनों को मिला के कमर्शियल डिपार्टमेंट होता है। कमर्शियल में यही तो होती है सेल एंड परचेज करना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का मतलब डिपार्टमेंट्स वाइज जो भी रिसोर्स जितने भी रिसोर्सेज हर डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हम उन डिपार्टमेंट्स को जितने जितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उन रिसोर्सेज को हम उन डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये काम जो है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का कही जाती है। रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। चौथी जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो है हमारी सिक्योरिटीज़ एक्टिविटीज़। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ देखता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ रन करती रहे, वर्कर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो और जो भी डिस्टरबेंस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो उनको देखना आना चाहिए। ये है हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का मेन काम, वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट्स को देखना, वर्कर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है या फिर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उस डिस्टरबेंस को कैसे दूर किया जाए, ये हमारा सिक्योरिटीज़ एक्टिविटीज़ में आता है। सिक्योरिटीज़ एक्टिविटीज़ जो है हमारी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देखता है। पांचवी जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो है हमारी अकाउंटिंग एक्टिविटीज़। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में जो भी है अकाउंट से रिलेटेड होता है जैसे कि बैलेंस शीट वगैरह।